नमस्कार, द ग्रेट इंडियन टेस्ट.com में आपका स्वागत है। ये धनिया पत्ता है। हम नॉर्मली धनिया पत्ते की पत्तियों को इस्तेमाल करते हैं और ये स्टेम है इसे हम फेंक देते हैं। तो आज हम इस स्टेम से एक टेस्टी चटनी बनाएंगे। इसमें जो पत्तियां हैं पत्तियों को अलग कर लेंगे, स्टेम को अलग कर लेंगे और जो रूट्स है इस रूट्स को हम फेंक देंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से पत्तियों को मैंने अलग कर लिया। इस तरह सारे इसके सारे जो पत्तियां हैं इस तरह से अलग कर देंगे, अलग रख देंगे और जो स्टेम है उसे भी अलग कर देंगे। इस तरह से सारी पत्तियों को अलग करके रख देंगे। इन पत्तियों को सब्जी या कुछ किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्टेम की हम लोग चटनी बनाएंगे। मैंने इस स्टेम से सारी पत्तियों को निकाल लिया है। अब सिर्फ स्टेम और रूट्स बचे हैं। अब इन रूट्स को भी मैं काट के अलग कर दूंगी और ये जो स्टेम है उससे हम टेस्टी चटनी बनाएंगे। नॉर्मली हम स्टेम को वेस्ट बोल के फेंक देते हैं। इन वेस्ट स्टेम से हम टेस्टी चटनी बनाएंगे। आगे भी आपको ऐसी कई सब्जी होती है जिनके हम वेस्ट पार्ट को फेंक देते हैं, उससे हम टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बना के आपको दिखाएंगे। हम अब इस स्टेम से रूट्स को अलग कर देंगे। धनिया पत्ते के डंठल को मैंने पत्तों से पूरी तरह से अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब धनिया पत्ते की चटनी बनाने के लिए इसके साथ हमें कुछ और सामग्री चाहिए, जैसे 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 2 टमाटर, कुछ लहसुन की कलियां और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको हम अब पेस्ट बना लेंगे। हमारे धनिया पत्ते की डंठल की चटनी तैयार है। इसे आप रोटी, चावल, पराठा, पूरी के साथ परोस सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।